जैसा कि हमारे वीडियो के थंबनेल देख के आप आए हो तो आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पता है इलेक्ट्रिकल वर्क ऐसा वर्क है, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमें पूरी जानकारी है। कुछ न कुछ नई बातें हमें हमेशा सीखने को मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो राकेश और अपने वीडियो के माध्यम से मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल जानकारी है आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज आप ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। हमारा आज का टॉपिक है किसी भी मोटर की रेटिंग एचपी में है तो किलोवाट में कैसे निकालेंगे, और अगर किलोवाट में है तो एचपी में कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये हमने दो कॉलम बना दिए, दोनों कॉलम में एक एक मोटर रख दिया। एक नंबर कॉलम में जो मोटर है उसे हम 10 एचपी की मानते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितना किलोवाट होगा। सेम उसी तरह जो दो नंबर कॉलम में हमने इस मोटर को रखा है हम उसे 10 किलोवाट का मानते हैं और हम देखेंगे कि ये कितने एचपी का बनेगा। एक जरूरी बात, ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना काफी जरूरी है कि एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो एक किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और ये भी आपको जानना होगा कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं। तो एक एचपी में होते हैं 746 वाट। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि एचपी को किलोवाट और किलोवाट को एचपी में बदलने से पहले हमें वो कितने वाट है उसमें बदलना होगा। अब आते हैं एक नंबर कॉलम में, 10 एचपी का मोटर है, किलोवाट में बदलने से पहले उसे वाट में बदलना होगा। तो एचपी को वाट में बदलने के लिए हमने बताया है आपको कि एक एचपी में 746 वाट होते हैं। तो ये 10 एचपी का मोटर है तो हम कर देंगे 10 × 746, तो ये हो जाएगा हमारा 7460 वाट। बदलना है हमें किलोवाट में, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया है आपको कि एक किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, तो हम क्या करेंगे, इसे जो हमारी जो ये आई है 7460 वाट, उसे हम 1000 से भाग दे देंगे। और आप देख सकते हो कि भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आया है 7.46, तो ये हो गया हमारा किलोवाट। तो आप कह सकते हैं 10 एचपी की मोटर 7.46 किलोवाट होता है। अब आते हैं कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम नंबर 2 पे जो हमारी ये मोटर है ये 10 किलोवाट की मोटर है, तो और इसे एचपी में निकालना है। तो हमने बताया किसी भी कैलकुलेशन को निकालने से पहले हमें उसे वाट में लाना पड़ेगा। तो हम पहले जो 10 किलोवाट है उसे हमें वाट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसे हम एचपी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। अब हम क्या करेंगे, 10 किलोवाट की मोटर है तो उसे हम 1000 से गुना कर देंगे, तो हमारा आ गया 10000 वाट। मतलब आप की मोटर हमारी वाट में बदल गई, ये हो गई 10000 वाट। तो हमने आपको बताया है कि अब इसे अब एचपी में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया है कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, एक एचपी में होते हैं 746 वाट। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारा 10000 आया है इसे हम 746 से भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है 13.40, ये हो गया हमारा एचपी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मोटर की रेटिंग अगर एचपी में है तो उसे हम किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर किसी भी मोटर की रेटिंग अगर किलोवाट में है तो उसमें उसे हम एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर समझने में कुछ भी डाउट आ रही है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। हमारे वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू।